अच्छा है। तो जितने आपके आंसू आते हैं, कभी भी आप मेडिटेशन में भी बैठे हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, अकेले बैठे हैं चाहे, उस समय भी अगर आंसू आ रहे हैं तो उनको रोको मत। इट वाज लाइक कि जैसे एक ग्लास है उसमें मिट्टी भरी हुई है, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो मिट्टी ऊपर से बाहर आ रही है और बाद में एवरीथिंग वाज क्लीन। उस मेथड में, उस प्रोसेस में आप ओमणि पद में, हम जो हमारा सेकंड मंत्र जब चल रहा था, वो मंत्र का मतलब अभी आपको नहीं मालूम, वो मतलब उसके अंदर हम आप अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग करते चले जाते हैं। उस समय आपके ऑरा में जो भी नेगेटिव होगा, जो कुछ भी होगा, जिसको आप निकाल रहे, निकाल चुके हो ऑलरेडी, उसको आप और एक्सेप्टेंस के साथ लेते हैं। तो स्वाभाविक है कुछ चीज़ें जो हमारी अपनी होती हैं वो तकलीफ देती है, जिसकी वजह से पता नहीं कहाँ से कनेक्शन जुड़ता है और हमें नहीं पता होता हमारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, नहीं मालूम पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए रोकना नहीं है, ये थंब रूल है, एक समझ लीजिए। कभी भी आप मेडिटेशन में बैठे, कभी भी कहीं भी बैठे, लेकिन अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो ये अच्छे सिम्टम, ये बुरी बात नहीं, कोई बात निकलेगा, ऑफकोर्स निकलेगा। अभी मैंने क्या किया है, रेकी 1 और 2 में 3 सिंबल आपको मिले थे, उन 3 सिंबल्स की मैंने अट्यूनमेंट की है, राइट। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ मास्टर की अट्यूनमेंट की, जो रेकी का गॉड कहा जाता है, जिसको सिर्फ मास्टर सिंबल, एक ही सिंबल की मैंने अट्यूनमेंट की है। कल आपको लेकिन 40 सिंबल देने वाला हूँ, मास्टर के बाद वो सब एक्टिव हो जाते हैं, वो सब काम करेंगे, ठीक है। तो मास्टर अब आप समझ सकते हो कि सुप्रीम पावर का ही एक पार्ट, इतनी बड़ी एनर्जी आज आपके क्राउन चक्रा पर उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। आपका वजन, आप एग्जैक्टली आपका वजन कितना है और आप कितना वजन उठा सकते हैं, 20 किलो 40 किलो। तो आप इमेजिन करो कि मैंने कितनी भारी चीज आपके क्राउन चक्रा पे एट्यून कर दी है, तकलीफ तो होगी। और जैसे जैसे अभी 21 डेज, नेक्स्ट आगे 21 डेज के आप प्रोसेस करेंगे, उसी मास्टर को आपके 7 चक्रा से होते हुए आपकी बॉडी के एक एक डीएनए तक जाना है, तकलीफ तो देगा। सर कोई डे मिस होना, मिस नहीं होना चाहिए। हाँ वो बाद में बात करेंगे, ठीक है जी।